हमारा अरेंजमेंट भी कम पड़ गया है, इसके लिए हम माफी भी मांगते हैं। और मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल, मेरा पीछा भीड़ देख को भाई खचा खच, जो ग्राउंड अभर हुआ है इस वक्त महम में हम खड़े हैं। और आज थी ग्रैंड ओपनिंग जो कांग्रेस का कार्यालय था महम में, और खुद दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, मैडम अन्नू जी हैं, बलराम दांगी साहब की वाइफ हैं, आप देख सको हो, खुद आप मेहमान नवाजी जो है कर रही हैं। मतलब कोई नेता इतना देखा आपने कि ग्राउंड पर है, खुद एक एक व्यक्ति का हमने देखा है, इतने ग्राउंड से जुड़े हैं, चाची ताई बुआ जितनी सबका खुद आगे खड़ी होकर राम राम नमस्ते आओ भगत करना रही है। अन्नू जी इतनी एनर्जी, मतलब देखो नेता की तो हमने बात सुनी है भाई ऐसा राम की जिंदगी, आप यहाँ चाची ताई गाँव की हो शहर की हो सबका खुद स्वागत कर रहे हो, मतलब इतना ग्रैंड ओपनिंग आज कार्यालय की हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहोगे? देखिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी महम हल्के के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार को बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी ऑफिस के लिए भी और आज जो जोश लोगों में दिख रहा है उसके लिए भी। और रही बात मेरी ताई चाची माता बहनों से मिलने की, देखिए महम हल्के के लोगों के साथ हमारा राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है, और ये संबंध आज का नहीं है, पिछले 45 साल से हमारे आदरणीय बाबूजी हमारी माँ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये महम हल्का मेरा परिवार है और मेरा पूरा परिवार हमें आशीर्वाद देने के लिए आया है, और इतनी भारी संख्या में महिलाएं युवा और सभी आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और हाँ बिल्कुल मेरा परिवार है, आशीर्वाद देने आए हैं तो खुशी होती है। बात पूछना चाहेंगे, आज थी ओपनिंग, मतलब ओपनिंग ऑफिशियल प्रोग्राम था, लेकिन ये जो भीड़ है क्या उम्मीद करी थी कि इस मतलब इतनी भीड़ आ जाएगी ग्राउंड में भी, मतलब नोटरी अगर आप जी देखिए, वैसे तो आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन था और कोई रैली नहीं थी, और हमारा अरेंजमेंट भी कम पड़ गया है, इसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं। और बहुत भारी संख्या में लोगों ने आके हमें प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहे हैं, और महम हल्के के हमारे इस परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। अच्छा आज दीपेंद्र हुड्डा जी भी पहुंचे हैं, बलराम दांगी जियों को प्रत्याशी आगे माना जा रहा है महम से, पिताजी की क्यों चूंकि देखो चार बार विधायक भी रह चुके हैं, उम्र भी थोड़ा एज का भी होता है, तो बिल्कुल दोनों ऐसे लग रहे हैं कि आपस में भाई भाई हो, लोग हाथ चूमते हैं दीपेंद्र जी के बारे में, मतलब क्या कहना चाहोगे लोगों के बीच में इतने लोकप्रियता का क्या राज है? देखिए हमारे सांसद जी, हमारे बड़े भाई साहब दीपेंद्र जी, स्वभाव के और चरित्र के मिलनसार है, और यही खासियत है कि युवाओं में उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। और मेरे पति पिछले 20-22 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं पिछले 45 साल से। हमारे बाबूजी लोगों के बीच में है एक खुली किताब के तौर पर और लोगों में एक परिवार के तौर पर, बहुत सच्चाई और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपने राजनीतिक धर्म निभाया है, और उनके ही कदमों पर चलते हुए मेरे पति बलराम जी पिछले 22 साल से राजनीति में हैं। लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगी अनु जी, जो ये भीड़ देख रहे हैं इसको देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति में है, क्या भाजपा के साथ कोई मतलब वो है विरोध हम बोलते हैं, या यूं कहे मतलब विपक्षी पार्टी, या फिर कांग्रेस का एक अलग ही लहर है? देखिए कांग्रेस पार्टी की लहर है ये तो निश्चित तौर से लहर है, और कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, लोग परिवर्तन की तरफ है, और रही बीजेपी सरकार की, हम बीजेपी सरकार में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इन्होंने परेशान नहीं किया हो, हमारे किसान 750 किसानों की हत्या ही कहूँगी मैं तो बीजेपी सरकार की वजह से हुई है, हमारे हर वर्ग मजदूरों को जो 100-100 गज के प्लाट मिलते थे, जो हमारी महिलाएं हमारी बहनें आज आशा वर्कर सड़कों पे बैठी हैं, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बेटियां जिन्होंने हमारे नाम देश का नाम रोशन किया है उनको सड़कों पर इन्होंने घसीटा है, तो निश्चित तौर पे लोगों में बदलाव की। अंत में ये जनता यहाँ पहुंची है, हमारे गांव गुआंड से सबसे पहुंचे हैं चाची ताई, मतलब ग्राम की औरतें भी यहाँ इतनी आई आशीर्वाद दे रही हैं, क्या कहना चाहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना प्यार इतना आशीर्वाद आज मेरे को मेरी ताई चाची मेरी माता बहनों से मिला है, और हमें चुनाव में देखने को मिलेगा
देखिए चुनाव की बात तो मैं नहीं करूंगी, पर मेरा परिवार है और अपने इस परिवार के लिए मैं हर तरह से 24 घंटे अपने परिवार के बीच में हूँ। जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे, जो भी मेरा फ़र्ज है अपने इस परिवार के लिए, हम हमेशा हैं। और वो घर हमारा नहीं है, इन लोगों का ही है। और हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे चूल्हे तक दौड़ है सबकी, और सभी जुड़े हुए हैं। मेरी आदरणीय माता जी पिछले 45 साल से बाबू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, और चूल्हे तक की दौड़ सबकी है, और तीन तीन पीढ़ियों का रिश्ता है हमारा। अंत में एक बड़ा सवाल पूछना चाहूंगी, क्या कांग्रेस इस बार अपनी खुद की गुटबाजी से बचकर ये चुनाव जीत पाएगी? बड़ी बात है। जी बिल्कुल जी, कोई गुटबाजी नहीं है। और हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है। देख सको, अनु जी का तो यही कहना है कि जिस प्रकार उम्मीद से ज्यादा लोग आज आए सिर्फ कार्यालय के ओपनिंग पे, ये हाल है। जिस दिन फॉर्म फिल किया जाएगा प्रत्याशी का, उस दिन आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों के मन में क्या उत्साह होगा, और जिस दिन वोट डालेंगे उस दिन क्या होगा। जबकि वोट की बात तो अनु जी ये कह रहे हैं कि मैं, ये सबका अपना है, बलराम जी सबके अपने हैं, आनंद जी उन्हें अपनी जिंदगी जो है झोंक दी है, और महम हलके के बीच प्यार प्रेम आप देख सकते हो दांगी परिवार का। आज कार्यालय की ओपनिंग थी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।